मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 4 से लेकर 6 तक करते हैं। तर्जमा, इससे पहले लोगों को हदायत करने वाली बनाकर और कुरान भी उसी ने उतारा जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है, हिकमत वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, इन ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पी है, इसके पॉइंट्स हैं एक्स वन और वाई वन, ये आपके पास क्यू है और इसके पॉइंट हैं एक्स टू और वाई टू, और ये कोई रेशो है एक्स कामा वाई, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एम वन और एम टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास सिंपल क्या है कि सारी पॉइंट्स गिवन है, हमारे पास जो हमने रेशो का फार्मूला बनाया था एक्स कामा वाई, वो आपके पास ये था एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा एम वन प्लस एम टू, फिर आपके पास आ जाएगा एम वन वाई टू प्लस वाई टू एम वन वाई टू, और फिर आपके पास आ जाएगा एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये वाला फार्मूला हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम वैल्यूज़ देखें तो ये जो आपके पास पी वाली वैल्यू है, ये आपके पास एक्स वन वाई वन, ये आपके पास एक्स टू वाई टू, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई। तो सिंपल हम फार्मूले में अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो आर ऑफ एक्स कामा वाई इज़ इक्वल टू आर ऑफ, ये आ जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, फिर आपके पास आ जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ हमारे पास डाटा में गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस फोर बाय सेवन, फिफ्टी एट बाय सेवन विच इज़ इक्वल टू एम वन, एम वन और एम टू क्योंकि हमने फाइंड करने हैं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे एम वन इंटू एम टू यानी कि माइनस ट्वेल्व, फिर आपके पास आ जाएगा एम टू एक्स वन एट डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, इसी तरीके का से आपके पास आ जाएगा एम वन वाई टू यानी कि सिक्स, फिर आ जाएगा M2 और Y1 आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें तो ये आ जाएगा माइनस फोर बाय सेवन, फिफ्टी एट बाय सेवन विच इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एम एम वन, और यहाँ पे था M2 है यहाँ पे, यहाँ पे ये आ जाएगा एट एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स एम वन प्लस टेन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब क्योंकि हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में एम वन और एम टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम सिंपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं इक्वेटिंग एक्स एंड वाई, पहला वाला पॉइंट्स पहले वाले पॉइंट के इक्वल और दूसरा वाला पॉइंट्स
दूसरे वाले पॉइंट्स के इक्वल। फिर हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या किसी भी तरीके से सॉल्व करना है कि आपके पास एम वन और एम टू का आंसर निकल आए। तो अगर हम उसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एम वन प्लस एट एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो आ जाएगा 58 बाय 7 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल, हम इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 12 m1 प्लस 8 m2। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 m1 माइनस 4 m2 और 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 84 m1 और 87 आर 56 m2। m1 इवन वैल्यू को इधर लेकर आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 m1 और ये माइनस 84 इधर आके प्लस 84 m1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 56 m2, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 m2 हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लूँ तो 84 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 80 m1 इज इक्वल टू 56 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60 m2। अगर मैं ऐसे कर दूं कि दोनों तरफ इस m1 इस m2 को इधर ले आऊं और इस 80 को इधर ला के डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा m1 अवर m2। अगर मैं इसको 20 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 बाय 4। तो बस हमने क्योंकि m1 और m2 का आंसर निकालना था तो ये आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 3 और आपके पास आ जाएगा m2 इज़ इक्वल टू 4। तो बेशक अगर आप दूसरी इक्वेशन को ना भी सॉल्व करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिंपल इसमें m1 और m2 को सॉल्व करना था। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसका भी जो आंसर आएगा वो यही आएगा। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, आपके पास ये वाले पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और ये आपके पास आ जाएगा x, y। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेशियो वाला फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा r x y इज इक्वल टू r m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है बस वो यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 बाय 5 3 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू m1 क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये आ जाएगा m1 और x2 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस m2 आपके पास हमने फाइंड आउट करना है और x1 आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर आपके पास आ जाएगा m1 y2 आपके पास यहाँ पे 6 है फिर प्लस m2 आपके पास आ जाएगा हमने फाइंड आउट करना है और y1 आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 बाय 5 3 बाय 5 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर ये आ जाएगा 6m1 प्लस 4m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, एक्स और वाई की इक्वेशंस को मैच करेंगे, इक्वेटिंग एक्स एंड वाई।
तो आपके पास ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 3m1 - 2m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हम बना लेते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 6m1 + 4m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब सिंपल हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 5 × 3m1 - 2m2 इज इक्वल टू 4 × m1 + m2। यह आ जाएगा 15m1 - 10m2 4m1 + 4m2। यह आ जाएगा 15m1, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 4m1, और यहाँ पे ये -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, यानी 10m2 + 4m2। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 15 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11m1, और 10 + 4 = 14m2। m1 इस m2 को इधर ला के डिवाइड कर दें, और 14 ये 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आखिर में हम सिंपल कह सकते हैं कि आपके पास जो m1 का आंसर है वो 14 है, और जो आपके पास m2 का आंसर है वो आपके पास 11 है, क्योंकि हमने इसमें रेशो को ही फाइंड आउट करना था। तो ये आ जाएगा m1 ratio m2 = 14 ratio 11। ये आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप मक्खियों को कभी कायल नहीं कर सकते कि फूल कचरे से ज़्यादा खूबसूरत है, और हमारी ज़िंदगी में कुछ लोगों की मिसाल उन मक्खियों की तरह होती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।